नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? तो आज है संडे और आज सोच रही हूँ कि जो फ्रिज है ये साफ़ कर लेती हूँ। और मैं फ्रिज उसी दिन साफ़ करती हूँ क्योंकि जो फ्रिज का जो एकदम ओवरलोड होता है तो साफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब थोड़ा थोड़ा खाली हो जाता है फ्रिज, मैं उसी टाइम में खाली करती हूँ। और रोज़ ही मतलब मैं सोच रही हूँ कि खाली कर लूँगी, लेकिन संडे के अलावा मुझे और कोई दिन टाइम नहीं मिलता है ये सब करने का। तो आज संडे है, सुबह से लगी पड़ी हूँ इसी को लेके, तो सोच रही हूँ आज जो भी है साफ़ कर लेती हूँ। और जब मैं अंदर साफ़ करती हूँ, मतलब जब डीप क्लीन करती हूँ, तो कोई डिटर्जेंट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान रहता है और ये हार्मफुल होगा। तो मैं जो कॉटन क्लॉथ है, मैं इसी को अच्छी तरह से पानी में धो के इसको साफ़ कर लेती हूँ और उसी से साफ़ कर लेती हूँ अंदर वाला जो पार्ट है। और ये सब जो रैक है इसको सब मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करना होगा क्योंकि बहुत दिन हो गया है और जो स्टेन है इसमें बहुत सारा आ गया है। और ये ऐसे नॉर्मली पानी से ये धोने से नहीं जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट देके इसको अच्छी तरह से रगड़ के इसको साफ़ कर लिया है। और ये जो चिल ट्रे है, तो ये चिल जब फ्रूट्स और ये सब जब रखती हूँ ना, तो इसका जो मतलब थोड़ा बहुत दिन हो जाने के बाद थोड़ा सा जो रस है ये गिर जाता है उसमें, बहुत ही गंदा एक स्टेन हो जाता है। तो इसको अगर रगड़ के साफ़ नहीं करूँगी तो ये जाएगा नहीं। तो इसको मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ और पानी ड्रेन करने के लिए दे देती हूँ, और ये जब ड्राई हो जाएगा तभी सेट करूँगी। और डोर में जो सब बॉटल्स है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और जो अंडे हैं इसको भी निकाल लेती हूँ। तो ये हाथों के सामने मैं कुछ अंडे रखती हूँ रेगुलर यूज़ के लिए। और ये जो दो केले हैं ये बहुत ज़्यादा पक गया है, और कुछ ऑरेंजेस है ये एक साथ नहीं खा रहे हैं, बहुत सारा ये बच गया है। और जब ये केला जब पक जाता है ना, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, तो इसको मैं कभी कभी मालपुआ बना लेती हूँ और नहीं तो कभी कभी मैं बनाना सैंडविच भी बना लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो केले जो पक जाते हैं उसको फेंकिए मत, और बच्चे ऐसे नॉर्मली वो खाते भी नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आप इसको किस तरह से बनाना सैंडविच बनाएंगे। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में हाफ स्पून ले लिया है बटर, और जो पके हुए केले हैं ये बहुत ज़्यादा पके हुए केले हैं, मतलब नॉर्मल पके हुए केले से। और इसको ना आप थोड़ा सा जो बटर है इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लें, और ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, ये मैश हो जाए। और देखिए ये मैश हो गया है। अब मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी, हाफ स्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बटर और केला ऐसे ही मीठा है और अलग से शुगर चाहते हैं तो अगर ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत कीजिए। और मैं ले लेती हूँ ब्राउन ब्रेड, तो घर में ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही आता है क्योंकि ये अच्छा होता है खाने के लिए। और जो ब्राउन ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट है ना, मैं इसको कट कर लूँगी। मैं उधर फ्रिज क्लीन करते करते इधर बीच में मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे ऐसे नॉर्मली स्कूल का कोई ऐसे हड़बड़ी नहीं है, लेकिन बच्चे उठ गए हैं तो उठ के भूख लग गया है, तो उसका जो ब्रेकफास्ट है मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो देखिए, मैंने ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट है, मतलब ब्राउन वाला जो पार्ट है, मैंने कट कर लिया है ताकि इसको हम बेलेंगे। तो देखिए, ये बेलने से एकदम सीट जैसा बन जाएगा, पतला एक सीट बन जाएगा। तो आपको इसको बेलना है, अगर आप इसको नहीं बेलेंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा अच्छी तरह से। और ये तभी बेल सकते हैं अगर जब तक आप साइड वाला पार्ट नहीं कट करेंगे। तो देखिए, मैंने चार पीस कट कर लिया है दोनों बहन के हिसाब से। तो वो लोग ब्रश कर रही है, भूख लग गई है, तो मैं ये सब झटपट बना लेती हूँ। और बीच में जो केले का जो मैंने बनाया है ये बीच में दे देती हूँ, और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, और चॉकलेट सिरप तो बच्चे पसंद करते ही हैं। तो देखिए, मैं अब इसको ना ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ, तो ये अच्छी तरह से मतलब सीट जैसा हम लोग बेल लिए हैं इसलिए ये फोल्ड करना इजी होगा। और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइन तेल ले लिया है और मैं इसको ना ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो ऐसे नॉर्मली ये ज़्यादा डीप फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा हल्का तेल दे के जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए आप इसको फ्राई कर ले। तो देखिए, ये अच्छी तरह से ये मतलब क्रिस्पी हो गया है, ऊपर जो कोट है ये ब्राउन कलर आ गया है और अंदर है सॉफ्ट। तो ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मेरे दो बेटियाँ बहुत पसंद करती है। और ये वाटरमेलन है, इसको भी मैं काट के दे देती हूँ ब्रेकफास्ट में, और मैं ज़्यादातर ना ब्रेकफास्ट में ऐसे फ्रूट्स देना ही प्रेफर करती हूँ।
और ऐसे भी समर सीज़न में वाटरमेलन खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर बच्चों के लिए। तो मैंने ये सब कट कर लिया है और मैं अब सर्व कर लेती हूँ दोनों के लिए। तो देखिए, और जो है ना वाटरमेलन में ऐसे पीस पीस कट नहीं करती हूँ, वो लोग पसंद नहीं करती है, तो ऐसे ही बड़ा बड़ा स्लाइस देने से वो लोग ज़्यादा पसंद करती है। और मैं एक एक चीकू दे देती हूँ, तो चीकू बहुत ज़्यादा पसंद करती है दोनों खाना। और थोड़ा सा मैं ग्रेप्स दे देती हूँ, ताकि जो फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स का जो है फर्स्ट टाइम है, ये अच्छी तरह से वो लोग खा ले। और ऐसे भी नॉर्मली वो लोग पसंद करती है फ्रूट्स खाना। और ये देखिए, मेरा बनाना सैंडविच भी है रेडी। तो ऐसे नॉर्मली पका हुआ जो केला था, अगर मैं दे देती वो लोग नहीं खाती, तो इसको मैंने थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया है, थोड़ा सा सैंडविच बना दिया है। तो आप भी इस तरह से दे सकते हैं ना बच्चे, अगर थोड़ा सा वेराइटी अगर आप ऐड करेंगे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है, और इसका अंदर और एक लेयर है चॉकलेट का। तो इस तरह से ना बच्चे बहुत ही मौज से खा लेते हैं। और ये सब जो ऑरेंजेस है ना, तो ये एकदम छोटा छोटा साइज है, तो एक एक करके खाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा है। मेरे हस्बैंड सब ये जब जो ऑरेंजेस जो लाते हैं ना, तो एक साथ दो तीन किलो ला देते हैं, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो इसको एक दो खाने के बाद मुझे इसको जूस करना ही पड़ता है, और क्योंकि ये बहुत सारा है तो ये मैनुअल जो जूसर है इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने मशीन निकाला है। और ये थोड़ा सा इसका जो वैक्यूम मतलब जो सेट करने का है ना, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सा अटैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हाथों से फोर्स लगा के इसको करना होगा, लेकिन ठीक है, बहुत सारा ऑरेंजेस है, बहुत जल्दी मतलब जो जूस है ये निकल जाएगा। तो देखिए, मशीन की मदद से मैं जो है वो निकाल लेती हूँ। ये सब ऑरेंजेस इतना छोटा है ना कि एक एक अगर खाएंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ना मैं इसको जूस बना के रख देती हूँ। तो रेडीमेड जूस अगर बना रहेगा तो बच्चे आसानी से खा लेंगे, तो इसलिए। तो देखिए, ये जो जूस है ये मतलब मशीन के मदद से बहुत ही अच्छी तरह से झटपट निकल जा रहा है, और एक साथ में बहुत सारा जूस निकाल पा रही हूँ। तो देखिए, ये हाफ हो गया है, और जो बाकी है इसको भी मैंने निकाल लिया है। और ये जो कांच का बॉटल्स है ना, तो हमेशा इस तरह से जो जूस मैं जब स्टोर करके रखती हूँ, कांच का बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ, तो ये सब कैचअप का बॉटल है, और ये कांच बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है, तो मैं ये सब फेंकती नहीं हूँ। ये सब जूस रखने के लिए, मिल्क रखने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो दो बॉटल्स मेरा फिल हो गया है। ये ऑरेंजेस अगर ऐसे ही रख देती तो कोई नहीं खाता, सड़ जाता और फिर फेंकना पड़ता। तो देखिए, मैंने इसको जूस निकाल के रेडी कर लिया है बॉटल्स में। तो इस तरह से ना, जो कांच का बॉटल्स है, आप आसानी से इसको स्टोर करके रख सकते हैं दो तीन दिन आराम से, ये ख़राब एकदम भी नहीं होगा, और बच्चे आसानी से इसको निकाल के पी सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा दो बॉटल्स ऑरेंज जूस निकल गया है, अब मैं इसको फ्रीज में स्टोर कर लूँगी। और कुछ कोरिएंडर लीव्स है, तो ये मैं फ्रीज में रखी थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब वेदर के कारण ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं लंच में बनाऊँगी चिकन। तो मैं सोच रही हूँ ये जो कोरिएंडर लीव्स है, मैं एक सबको एक साथ मैं रेडी कर लेती हूँ, चिकन में मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज का जब सब सफाई का जब काम चलता है ना, तो एक्स्ट्रा बहुत कुछ निकल के आता है कि लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए, अदरक लहसुन मैंने पहले से छील के रखा है, इसको भी मैं पीस लूँगी। और कुछ ग्रीन चिली है, तो ये बहुत दिन से रखा हुआ है, कुछ ख़राब हो गया है, इसको भी मैं धो के साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए, मेरा जो बॉटल्स रखने का जो डोर है ना, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, और जो बॉटल्स है इसको रख देती हूँ, इसके जो जूस है ये भी रख देती हूँ। और इधर जो सेजवान सॉस है, ये भी मेयोनीज, और एक जो बॉटल्स है, तो ये जार अदरक लहसुन का पेस्ट मैं अभी बनाऊँगी और इसमें मैं स्टोर कर लूँगी। तो बाकी जो जो सब है इसमें मैं रख देती हूँ। और अंडा का जो ये ट्रे है ना, तो ये रेगुलर यूज़ के लिए है, तो इसलिए मैं इसको हाथों के सामने रखती हूँ, और जो अंडा मैं स्टोर करती हूँ वो बड़ा वाला बॉक्स में उसको अलग से रख देती हूँ। तो देखिए, इसको सब साफ़ सफाई कर लिया है। और कुछ चॉकलेट बार है, इसको भी यहाँ पर रख देती हूँ, ताकि बच्चे आसानी से निकाल के खा पाएंगे। तो बस फिलहाल ये मेरा इधर डोर वाला पार्ट है रेडी। और जो जो मेरा रैक मैंने वॉश किया था, ये भी ड्राई हो गया है, इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। अब मैं बटर को भी स्टोर कर लेती हूँ। तो ये बटर रखने का छोटा सा एक बॉक्स है, बहुत ही यूज़फुल है, तो इसमें मैं बटर रख देती हूँ पैकेट से निकाल के, और ये निकालने में भी बहुत ईजी होता है। तो मैंने जो बटर है इसमें इसको स्टोर कर लिया है।
और जो मेरा मेन वेजिटेबल्स है वो पहले से ही सब रेडी है, स्टोर किया हुआ है, लेकिन कुछ जो वेजिटेबल्स हैं मुझे लग रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इसको मैं अच्छी तरह से स्टोर कर लेती हूँ ताकि और अच्छी तरह से 3-4 दिन चल जाए। तो देखिए, जो बाकी जो कोरिएंडर लीव्स था इसको भी मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर दे के अंदर और ऊपर इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ ताकि ये और ज़्यादा दिन चल सके। तो और जो ग्रीन चिली है इसको भी मैंने धो के साफ लिया कर लिया है, और जो कुछ सरा हुआ था इसको भी मैंने फेंक दिया है। और ये नैपकिन अगर ऊपर नीचे देंगे ना तो इसे और ज़्यादा जो टाइम है ये स्टोर करने का और ज़्यादा हो जाता है। और ये जो ब्रेड्स हैं, बचे हुए जो ब्रेड्स हैं, ये ब्रेड रखने का बॉक्स है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेड्स रह जाता है, कड़ा एकदम भी नहीं होता है। और बहुत सारा टमाटर है, तो ये टमाटर को मैं इस तरह से नैपकिन देके इसको भी स्टोर कर लेती हूँ। और कुछ टमाटर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पक गया है, तो इसको देखती हूँ क्या किया जाता है, क्योंकि और एक दिन इसको रख दूँगी ना तो ये टमाटर ख़राब हो सकता है। तो जो बाकी जो टमाटर है मैंने इसको इस तरह से स्टोर कर लिया है, और क्योंकि ज़्यादा टमाटर है इसलिए मैंने 2 बॉक्स लेके इसको स्टोर कर लिया है। और अंदर अगर इस तरह से नैपकिन देके अगर रखेंगे ना तो ये बहुत दिन तक ये रह जाएगा, आप खुद इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं घर में। तो देखिए, बाकी जो टमाटर है एक साथ जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है ना तो एक्स्ट्रा आपको स्टोर करना पड़ता है। और ये जो मतलब मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, चीज़ है, बटर है, मैं एक ही जगह रख लूँगी, और ये जो स्पून है इसको भी एक ही जगह रख लूँगी ताकि जब मैं यूज़ करूँ तो यूज़ करने में ईजी होगा। और हाफ वाटरमेलन तो मैंने बच्चों को काट के दे दिया है, और ये हाफ जो है ना इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक सीट होता है मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, तो इसको काम में लगा लेती हूँ, इसमें मॉइस्चर मतलब नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरह से मतलब जो फ्रूट्स है ये स्टोर हो जाता है, खासकर वाटरमेलन। तो देखिए, मैं जो जो मेरा जो सामान है ये सब मैं स्टोर कर लेती हूँ, और ये जो बटर और चीज़ का है इसको भी मैं कर लेती हूँ ताकि जब मैं ट्रे खींचूँगी ना तो ये बटर चीज़ एक साथ निकल के आएगा। और ये देखिए, ये मेरा जो फ्रिज है ये कितना मतलब ऑर्गेनाइज लग रहा है, छोटा सा ही है, कम जगह है, लेकिन अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका जो सामान है ये सब हाथों के सामने मिलेगा, रहेगा, और आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं लग गई हूँ डीप फ्रीज साफ करने में, तो मैं यहाँ जो भी मेरा नॉनवेज आइटम है, चिकन, मटन, फिश, मैं यहीं पर रखती हूँ, और मैं इस तरह से ना अलग अलग कंटेनर में रखती हूँ ताकि मुझे निकालने में ईजी होता है, और इस तरह से 4-4 पीस मैं डिवाइड कर करके रखती हूँ। और इसको भी मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी एक स्मेल रह जाता है, क्योंकि इसमें जो चिकन मटन ये सब रहता है तो एक ख़राब एक स्मेल आ जाता है, तो इसको ज़्यादा साफ़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मैं चिकन और फिश इसको भी स्टोर कर लेती हूँ डीप फ्रीज में, ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। और ये कुछ चॉकलेट्स, ये मतलब ऐसे नॉर्मल फ्रिज में रखने का जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। और मैं हमेशा ना इस तरह से आइस में जो बॉक्स है उसको बीच बीच में साफ़ कर देती हूँ और फ्रेश पानी दे के आइस इसको जमा लेती हूँ, क्योंकि समर सीज़न में आइस तो लगता ही है। और ये देखिए, ये जो जीरा है ना, तो ये मेरे हस्बैंड हर रोज़ जीरा वाटर पीते हैं, तो जीरा वाटर तो स्ट्रेन करके ग्लास में लेके पी लेते हैं, लेकिन ये जीरा है ये रह जाता है, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। तो मैं इसको धो के साफ करके ना इस तरह से पेस्ट बना के मसाला जो मेरा जार है इसमें मैं स्टोर कर लेती हूँ। और इसी मिक्सी जार में मैं जो कोरिएंडर मैं पहले आपको दिखाई थी, काट के रखी थी, मैं उसमें ये पीस लूँगी और कुछ ग्रीन चिली और अदरक लहसुन दे के पीस लूँगी, क्योंकि मेरा जो लंच होगा तो उसमें मैं चिकन, ग्रीन चिकन में बनाऊँगी, तो कोरिएंडर लीव्स इस तरह से ना पीस के देने से जो चिकन है ये इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है, आप बना के देख सकते हैं घर में। तो इस तरह से देखिए मैंने पीस लिया है, और मेरा जो चिकन का मसाला है ये भी हो गया है रेडी। अब जो अदरक लहसुन मैंने पहले से छील के रखा था, अब मैंने इसको भी धो लिया है, साफ़ कर लिया है, इसको भी मैं पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, तो ये किच मतलब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और बीच बीच में स्टोर भी करना पड़ता है, ये भी एक एक्स्ट्रा काम है, तो ये भी कर लेती हूँ आज। तो देखिए, मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये हो गया है रेडी, और जो क्यूमिन मतलब क्यूमिन सीड्स को मैंने जो पीस लिया था तो इसके ऊपर मैं दे दूँगी और सबको एक साथ मिला लूँगी, तो अलग से मुझे जीरा
पाउडर देने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये एक फुल मसाला जो है ये हो गया है रेडी। तो इस तरह से इसको भी जो काम में आ जाएगा, इसको फेंकिए मत, तो इसको भी आप काम में लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा अदरक लहसुन और क्यूमिन का जो पेस्ट है ये भी हो गया है रेडी। और फ्रिज साफ़ करते वक्त ना मेरा मुझे ये दो जार मिला, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके टोमेटो केचप और थोड़ा सा सोया सॉस है, तो मैं चिकन बनाऊँगी तो चिकन में ये दे दूँगी, क्योंकि इसको फेंकूँगी नहीं। और ये अगर ऐसे रख दूँगी तो बहुत सारा ये जगह ले रहा है, मतलब दो जार बस थोड़ा सा ही है लेकिन फिर भी ये जगह ले रहा है। और मैं अब चिकन रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है सरसों का तेल और थोड़ा सा मैं ऐसा ना साबुत गरम मसाला तेल में दे देती हूँ, तो इसका एक अलग सा एक फ्लेवर आता है। और जो मैंने प्याज काट के रखा था मैं इसको भी दे देती हूँ, क्योंकि अभी लंच का टाइम है और इधर फ्रिज साफ़ करते करते मैं खाना भी बनाते रहती हूँ, क्योंकि मल्टीटास्क नहीं करती, अगर नहीं करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाता है, इसलिए तो मेरा उधर साफ़ सफाई भी चलते रहता है और खाना बनाना भी चलते रहता है, एक साथ ही चलते रहता है सब काम। तो देखिए मेरा जो चिकन है उसको मैंने तेल में थोड़ा सा देके मैंने फ्राई कर लिया था, तो इसमें ना बहुत ही अच्छा टेंडर रहता है, मतलब ओवर कुक नहीं होता है चिकन, आप करके देखिएगा। और जो मेरा पिसा हुआ मसाला था इसको भी मैंने दे दिया है, और केचप और थोड़ा सा सोया सॉस जो बचा हुआ था थोड़ा सा पानी मिला के मैंने इसको धो के दे दिया है, तो ये काम भी लग गया। और मैं ये बॉटल्स जो है प्लास्टिक का बॉटल्स है इसको मैं फेंक दूँगी, और कांच का जो जार है इसको भी मैं काम में लगा लूँगी, तो थोड़ा सा जगह भी खाली हो गया और वो यूज़ भी हो गया। और एक चम्मच में दे दूंगी कश्मीरी पाउडर, और एक चम्मच नमक, और हाफ चम्मच शुगर, और एक चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चम्मच मैं क्यूमिन पाउडर भी दे दूंगी, क्योंकि क्यूमिन पाउडर जो मसाले में जो था थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए। और जब मैं ग्रीन चिकन और धनिया चिकन आप जो भी कहे जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे दही थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, हाफ कप दही है ये, घर में जमाया हुआ दही है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाता है। तो देखिए मैंने ये सब को मिक्स कर लिया है और बहुत सारा निकल गया है पानी, क्योंकि दही है ना और जो भी मसाले हैं इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ये सब मैंने दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में अच्छी तरह से ये कुक हो जाएगा। और ये मैं थोड़ा सा ड्राई बनाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चियों को थोड़ा ठंडा लग गया है, मतलब सर्दी जैसा हो गया है, तो आज सोच रही हूँ कि लंच में चावल नहीं बनाऊँगी, उन लोगों को रोटी दूँगी। और ऐसे भी ना नॉर्मली दोनों बहुत ज़्यादा पसंद करती है रोटी खाना, और दोनों जो है वो नहा ली है, और मैं सोच रही हूँ कि जो चिकन है इसको मैंने अलग और एक गैस में मैंने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि देरी हो जाएगा, तो मैं दोनों के लिए झटपट रोटी बना लेती हूँ। और मैं अभी लंच नहीं करूँगी क्योंकि मेरा अभी भी काम बहुत ज़्यादा बाकी है, तो उन लोगों को देरी नहीं हो जाए इसलिए मैं उन लोगों को खाना सर्व कर देती हूँ। तो जो रोटी है ये झटपट बना लेती हूँ। और ऐसे भी ना जून बहुत ज़्यादा चावल से रोटी खाना पसंद करती है, उसको चिकन होता है तो रोटी तो एकदम कंपलसरी है, सबके लिए चावल बनता है लेकिन उसके लिए अलग से रोटी बनता है, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब दो काम में भी हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा भी लगा है और पसंद भी करती है इसलिए। तो मेरा जो लंच है मैं ये बना लेती हूँ और दोनों को कर देती हूँ सर्व, क्योंकि अभी बच गया है एक, और मेरा अभी भी नहाना और जो एक्स्ट्रा काम है ये सब बाकी है। और कुछ जो टमाटर था ना तो ये इतना ज़्यादा पका हुआ था, तो इसको और मतलब एक दिन रख देती तो ये ख़राब हो जाता, तो इसको भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा प्रोसेस कर लूँ। और ये चिकन अभी भी बना नहीं है, रोटी तो मैंने बना लिया है लेकिन चिकन को थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी। और इसी बीच मेरे जो दोनों बेटी है काम कर दी है एक्स्ट्रा, तो गई थी छत पे, और एक जो मेरे मतलब बगल में ना एक आम का बहुत ज़्यादा बड़ा एक पेड़ है और एक डाली पूरा छत पे आता है, और जो भी बड़ा बड़ा आम था सब तोड़ के दोनों लेके आ गई है, बोल रही कि अचार बना दो, तो ठीक है बना लेती हूँ, मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और ये देखिए ये जो टमाटर है ना मैंने इसको कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा बॉयल कर लिया है और विनीगर ऐड करके मैं रख दूंगी, और जो भी मतलब जब खाना बनाऊंगी या कोई भी सब्जी बनाऊंगी तो ये टमाटर दे दूंगी। तो ये टमाटर अगर आप इस तरह से करके रख देंगे ना तो ज़्यादा पके हुए टमाटर है जो अगर आप ऐसे नॉर्मली रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से रख देंगे तो ये और दो तीन दिन एक्स्ट्रा चलेगा, तो आप इस तरह से प्रोसेस करके रख सकते हैं। तो जो है ये पेस्ट ये ठंडा हो गया है, मैं इसको भी फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और
और चिकन ड्राई हो गया है। रोटी के साथ ना ड्राई चिकन ही अच्छा लगता है खाने में, चावल से, चावल में थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा खीरा ऐड कर लेती हूँ, और समर सीज़न में ना मैं लंच में हर रोज़ खीरा ऐड करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, मतलब ख़ासकर समर सीज़न में। तो मैं रोटी, चिकन और सलाद है, इन दोनों को मैं दे देती हूँ, ये दोनों मतलब नहा लेके सब रेडी है और लंच कर लेती है। तो मेरा अभी भी एक एक्स्ट्रा काम रह गया है, क्योंकि ये दोनों आम तोड़ के लाई है छत से, और ये आम अगर एक दिन रख दूँगी तो ज़्यादा मतलब देरी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही जब काम सब कर रही हूँ तो आज ही कर लेती हूँ, और ये जो बाकी चिकन है इसको मैं बाद में इसको स्टोर कर लूँगी मैं खाना खाने के बाद। और ये जो आम का अचार है ना, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे। तो मैंने एक चम्मच ले लिया है सरसों का तेल, और थोड़ा सा 5 फोड़न ले लिया है, और इस तरह से ना सूखी मिर्च आप मैं 4 ले लेती हूँ। तो ये आम को मैंने पीसेस में कट कर लिया है, और ये करीबन 1.5 किलो से ऊपर ही होगा शायद, मैंने उतना मतलब अंदाजे से मैं बोल रही हूँ। और मैं इसमें दे देती हूँ 2 स्पून नमक, और 2 स्पून कश्मीरी पाउडर, और 1 स्पून हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आप ये वाला अचार आप आसानी से घर में बना सकते हैं, और ये अगर फ्रेश आम हो ना तो ये अचार और ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये आम थोड़ा सा खट्टा है, ज़्यादा मीठा नहीं है, तो इस हिसाब से मैं 1.5 कप चीनी ले लूँगी, ताकि ये मीठी वाली जो अचार है ना, मतलब पूरा मीठा भी नहीं, खट्टा मीठा थोड़ा सा, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है लंच के साथ। अगर 1 चम्मच आप ले ले और इसको मतलब 1-2 महीना आसानी से आप स्टोर करके रख सकते हैं, एकदम भी ख़राब नहीं होगा। और क्योंकि ये कढ़ाई में बन रहा है तो आपको धूप देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मैं चल गई थी नहाने तो मैंने भी बात ले लिया है, और देखिए ये चीनी जो है मेल्ट होके कितना सारा ये सिरप जैसा बन गया है, और बहुत सारा घोल बन गया है। और एकदम भी पानी मत ऐड कीजिए, मतलब भूल के भी, क्योंकि ये चटनी ही नहीं बन रहा है, ये अचार बन रहा है। और देखिए ये करीबन 1 घंटा बाद इसका जो पानी है, इसका जो पानी अच्छी तरह से सूख गया है, और ये एकदम कलर भी चेंज हो गया है, और थोड़ा सा थिक भी हो गया है, और जो आम है ये एकदम पेस्ट हो गया है। तो आप ये वाला अचार घर में बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसी बीच मैंने लंच कर लिया है, इसको मैंने ठंडा करने दिया था आम का जो मतलब अचार बन गया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला, तो मसालों को आपको ड्राई रोस्ट करना है। 5 फोड़न में जो भी है आप 2 बड़ा स्पून आप ले लीजिए, 5 फोड़न में मसाले के देने लायक जो मसाले हैं ना, तो सब इसमें रहता है। तो मैं दे देती हूँ 2 चम्मच 5 फोड़न, और इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये देखिए जो अचार है ये ठंडा हो गया है, और जो मसाला है इसको मैं इसके ऊपर मैं दे दूँगी, और बस कुछ करना नहीं है, आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप एक ना कांच के जार में आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। तो 5 फोड़न को मैंने ड्राई रोस्ट करके इस तरह से पाउडर बना लिया है, और जो है इसको मैंने ऐड कर दिया है अचार में। तो इसका जो फ्लेवर है ना, एक टैंगी फ्लेवर, बहुत ही अच्छा एक खट्टा मीठा एक टैंगी फ्लेवर आता है, और मसाले के चलते और ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है ये इन्हेंस हो जाता है। और देखिए मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ कांच के जार में, और ये आसानी से ना 1-2 महीना आसानी से चल जाएगा। तो रेडीमेड अचार चटनी आप जो भी कहें ये है रेडी। तो इस तरह से ना जो फ्रेश आम है ये फ्रेश आम से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, धूप देने का ज़रूरत नहीं है, आप एकदम मतलब जो है लाने के बाद तुरंत काट के तुरंत बनाइए, और ये पका होगा कढ़ाई में तो अलग से धूप देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो बस और क्या, मेरा संडे इस तरह से गुजरा। अभी बज रहा है 2:00 के 3, और मेरा काम करीबन हो गया है ख़त्म। तो खुश रहिए, चलिए टाटा बाय बाय।